रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप कामयाबी चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनना चाहते हैं, आप इंशाल्लाह जो भी जितना बड़ा ख्वाब देखेंगे वो चीज़ हासिल कर लेंगे, लेकिन मेहनत उसके लिए शर्त है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मैं कर सकता हूँ और रोज़ का एक स्टेप चढ़ें, क्योंकि हज़ारों मील का सफ़र भी पहले कदम से शुरू होता है। तो अपनी सोच को मुस्बत रखें। अल्लाह ताला रोज़ आपको 24 घंटे का एक दिन देता है और अल्लाह ताला के घर से 5 वक्त पुकार सुनाई देती है, कामयाबी की तरफ आओ। तो अल्लाह को मानने में, अल्लाह की बात मानने में कामयाबी है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारक़ कुरान होकर। तो ईमान जो है वो वाईफाई की तरह है, जो आपको नज़र तो नहीं आता लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। तो अपने अंदर ईमान की कुव्वत पैदा करें। रब्बे कायनात की किताब आपके पास है, अल्लाह ने जाने, उस किताब को पढ़ें तर्जुमे के साथ, वो ज़ुबान में पढ़ें जो आपको समझ आती हो, और उसके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी करें। आपको पता है एक सुन्नत में अमल करने का सवाब 100 शहीदों के बराबर मिलता है। अपने चेहरे पर रोज़ हंसते मुस्कुराते अपना जो है ना दिन शुरू करें, मुस्कुराना भी सदका है। फिर सच बोलने की आदत अपनाएं, हर हाल में कोई पसंद करे ना करे आपने सच बोलना है। फिर दुआएं बहुत ज़्यादा मांगे, कहते हैं दुआ कभी रद्द नहीं होती, हम अपनी औकात के मुताबिक दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अता करता है, आपको इतना अता करेगा कि आप इसे संभाला नहीं जाएगा। अल्लाह से दुआ तो मांग के देखें, अल्लाह से कनेक्ट होके तो देखें, अल्लाह से रिश्ता तो जोड़ के देखें, और फिर कम से कम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ना अपने हाथ से ना जबान से, या वादा करें। तो हम अपने सबक की तरफ आते हैं, रिकॉल कहते हैं पिछले की दोहराई करना, याद करना, याद आवरी। तो हम जो हैं वो वॉवल्स कर रहे हैं, आ ए ई ओ आ, इसमें आज हम शॉर्ट वॉवल ई करेंगे इन द मिडल, ठीक है। ई साउंड है वॉवल की। तो लुक टू लर्न, देखें से अपनी जुबान से मेरे साथ बोलें, और देन राइट इट। द बिन इज मेड ऑफ टिन, बिन जो है वो बास्केट को कहते हैं, टोकरी को कहते हैं, पीपे को कहते हैं, और द जैसे हमने पहले सबक में देखा था आर्टिकल है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और मेड तैयारशुदा और टिन। पुट द बिन इन द पिन इन द बिन, तो पुट होता है रखना। फिर है इफ़ यू डू इट राइट यू विल विन, तो विन जीत को कहते हैं कि अगर आप हर काम सही तरीके से करोगे तो इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। तो हमने देखा कि बिन, टिन, पिन और विन में मिडल साउंड जो है वो ई की है। अब ये कुछ और वर्ड्स हैं, जिप, जिप आपको पता है स्वेटर्स के आगे लगी होती है, बैग्स पे लगी होती है। सिप, सिप कहते हैं छोटा घूंट लेने को, आप चाय का सिप लेते हैं, जूस का सिप लेते हैं। आप सिक्स काउंटिंग में 5+1 = 6, 3+3 = 6, 4+2 = 6, और बिब बच्चों के आगे कपड़े गंदे ना हो, हम उनके गले में दूध पिलाते हुए पहन देते हैं बिब। फिर रिब है, रिब जो है वो पसली को कहते हैं, आप अपनी पसलियां गिन सकते हैं। हाँ, ये रिब केज होता है जो हमारे फेफड़ों की हिफाजत करता है। फिर डिग, डिग कहते हैं खोदना, मट्टी को खोदना, डिग। लिड, ल ई ड, लिड, लिड जो है वो ढकने को कहते हैं। फिर उसके बाद है फिन, फिन जो है मछली का हाथ या मछली के पार होते हैं जिससे वो पानी के अंदर तैरती है। फिर है सिट, बैठना, आप चेयर पे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, सिट, सिट। और फिर है हिट, आप बेसबॉल खेलते होंगे या क्रिकेट खेलते होंगे, हॉकी खेलते होंगे, ये सारे गेम्स हैं जिसमें हिट करते हैं बॉल को। और विग, जो मसनूई बाल होते हैं उनको विग कहते हैं। तो अब ये थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, ये मैंने एक साइड पे फोटोग्राफ्स रखी हैं, एक साइड पे स्पेलिंग लिखे हैं, तो आप इनको आपस में मिलाएं। जो तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें, इस एक्सरसाइज को खुद करें, फिर आगे चल के इसका जवाब चेक करें। तो ये शाबाश, आपने ठीक किया होगा। सिट, सिक्स, डिप और सिप, डिप डुबोने को कहते हैं। और ये है फिन, विग, लिड, और यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और तस्वीर के साथ स्पेलिंग मैच करें। शाबाश, शाबाश, फिन, विग, लिड और बिब। ये कुछ और स्पेलिंग्स और फोटोग्राफ्स हैं,
यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और इनको आपस में मिलाएं। तो शाबाश, सबसे ऊपर हिट है, फिर जिप है, फिर हिट है और फिर रिब है। तो अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत का इंतज़ाम किया, जो पसलियाँ हमारे फेफड़ों को की हिफाजत करती हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आप अपने फेथ को मजबूत करोगे, अल्लाह के साथ जुड़ोगे।